रुद्रपुर जिला मुख्यालय उधम सिंह नगर में विगत 31 जुलाई को उधम सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर मजदूर समाज सेवी किसान बच्चे महिलाएं और युवा श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, परंतु जिला मुख्यालय के गेट पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल खड़ा था। जिला मुख्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया और शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति को जिला मुख्यालय के गेट के अंदर कैद कर दिया गया। उनकी मूर्ति को माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देने से रोका गया। आजाद देश को आजाद कराने के लिए जनरल ओडायर की हत्या करने वाले जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह जी को जिला मुख्यालय में कैद कर आम गरीब जनता को श्रद्धांजलि देने नहीं दिया गया। जब आजाद देश में स्वतंत्रता सेनानी ही आजाद नहीं है तो देश की आजादी किस प्रकार मिली होगी, यह सोचना पड़ेगा। इसीलिए समाजसेवी सुब्रत कुमार विश्वास के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में ज्ञापन दिया गया और प्रशासन से मांग की गई कि जिला मुख्यालय से शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति को आजाद कराया जाए और ऐसी जगह लगे रखा जाए जहां उनके जन्मोत्सव और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आम गरीब जनता मना सके। रुद्रपुर से मनोज हालदार की रिपोर्ट। हमने इसलिए कह के पूरे देश के और उत्तराखंड की जनता देखे कि आज़ादी के 75वें साल में यहाँ की जनता की मजदूरों की क्या स्थिति है, कैसे शासन प्रशासन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पूंजीपतियों के हिसाब से पूरा शासन प्रशासन चल रहा है और मज़दूरों को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिसमें मूल रूप में इंटरार के मजदूरी थे जो दिखा रहे थे लोगों को कि हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी मशीनें उठ रही हैं और उसका आरोप मजदूरों पर डाल करके जो उनकी तनख्वाहें काट दी जाती हैं। शासन प्रशासन को जो है कोई सुध नहीं है बल्कि मालिक का ही साथ दे रहे हैं। इसी चीज़ को जो है समाज के बीच में स्थापित करने के लिए कि भगत सिंह जिस आज़ादी की बात करते थे उस आज़ादी के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, असली आज़ादी जो हमें तभी मिलेगी, ये संदेश देने के लिए आज की तिरंगा बाइक यात्रा। तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य यह था कि देश के अंदर जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, महिला, गरीब, मजदूर, किसान, गरीब वर्गों को लूटा जा रहा है, महंगाई जिस चरम सीमा पे है देश के अंदर, आज देश उत्सव तो मना रहा है, क्या देश आज़ाद है? आज देश की जनता को सोचना पड़ेगा, रुद्रपुर की जनता को सोचना पड़ेगा। नगर निगम से लेकर आला अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ पर रुद्रपुर को पूरे कूड़े की ढेर में बना रखा, जहाँ स्वच्छता अभियान के नाम पर मोदी ने फोटो बड़ी बड़ी खिंचाए, मोदियों के नेताओं ने फोटो खिंचाए, मगर सच्चाई ये है कि आज गांधी पार्क भी कूड़े के ढेर में बदला हुआ है। ऐसी हालत देश के अंदर जहाँ बच्चे, महिलाओं, यहाँ कल एक पता लगा कि एक दलित बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने टीचर का पानी पी लिया था। ऐसे देश के अंदर कुछ दो दिन पहले का ये घटना है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो क्या हम आज़ाद देश में हैं? भगत सिंह जी एक बात कह गए तो आदेश तो आज़ाद होगा मगर आज़ादी काले गोरे काले अंग्रेजों के हाथ में होगा। आज वही हालत है, आज देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। इसी को लेकर हमने बाइक रैली निकाला, जागरूकता रैली निकाली और हमने हल्ला बोला है कि आने वाले समय में अगर मजदूरों की मामला सॉल्व नहीं होता तो इससे विशाल रूप में एक जन आधार देखा जाएगा, रुद्रपुर के अंदर एक जन सैलाब देखा जाएगा और कल के दिन जिसका भुगतान शासन और प्रशासन करेगी। जय हिंद, जय भारत।